नमस्कार ऑल माय बिलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब दोस्तों मैं आप लोगों के लेके कर आई हूँ ट्रेनी फाइल आउट का नोटिफिकेशन सही देख रहे हो दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरीट पे ट्रेनी फाइल आउट का रिक्रूटमेंट होने वाले 15 पोस्ट है आप लोगों को वेतन मिलेगा एक लाख बावन हज़ार पर मंथ दोस्तों क्वालिफिकेशन में आपको ट्वेल्व पास होना चाहिए फिफ्टी परसेंट मार्क के साथ और साथ में आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस और हेलीकॉप्टर अथवा हेलीकॉप्टर पायलट कमर्शियल लाइसेंस होने से आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है दोस्तों एज लिमिट बीस से लेकर तीस ईयर अगर आप एस सी हो तो पाँच साल का रिल्जेशन मिलेगा ओ हो तो तीन साल का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लोई को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मैं जितना जानता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लोई को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से पाँच साल मिलते हैं और एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से तीन साल मिलेगा दोस्तों जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जॉब लोकेशन दिल्ली वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग को यह पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं बताने वाला हूँ वेट कीजिए थर्टी सेकेंड थर्टी सेकेंड में आ रहा हूँ अप्लाई मोड ऑफलाइन कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा वो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को दिखा दूंगा स्टार्टिंग डेट तेरह मई से अप्लाई स्टार्ट हुआ अप्लाई का लास्ट डेट दस जून दो दोस्तों एक महीने से कम समय है आप लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए इसलिए जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू आप लोगों को यह एप्लीकेशन सेंड करना होगा इसलिए जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा वेट मत कीजिएगा ज़्यादा ठीक है क्योंकि आपका एप्लीकेशन पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा ना दिल्ली तक ऑफिशियल साइट दोस्तों डब्ल्यू 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 डॉट सी ए बी एस ई सी डॉट डॉट इन दोस्तों आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन थोड़ा जूम कर लेता हूँ ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर जीरो वन ब्रैकेट ए पब्लिक टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर क्लोजिंग डेट दस जून दो हज़ार चौबीस शुरुआत में दिया हुआ है जितना डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताया ऊपर में ही दिया हुआ है ठीक है वेतन वगैरह सब कुछ दोस्तों तीन नंबर कॉलम पे नोट ऑप्शन में नोट ऑप्शन में आप एज रिलेक्शन के बारे में देख सकते हो जो एज रिलेक्शन में आप लोगों को बताया था ठीक है तीन नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस होगा सिर्फ पाँच एग्जाम होगा सौ मार्क करके जिसमें एयर नेविगेशन एक सब्जेक्ट एयर रेगुलेशन एक सब्जेक्ट एयर मेट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट टेक्निकल जनरल एक सब्जेक्ट एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इन फ्लाइट क्रियो लाइसेंस एग्जामिनेशन टोटल 500 मार्क होगा दोस्तों पाँच एक सौ करके इनमें से आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा आपको सभी एग्जाम अच्छे से देना होगा क्योंकि इसी द्वारा आपको डिफाइन किया जाएगा आप किस कैटेगरी का कैंडिडेट हो लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए जो लास्ट का जो पार्ट है फ्लाइट क्रियो लाइसेंस एग्जामिनेशन इसकी रिजल्ट में आपको कितना मार्क मिलता है इसकी मार्क सिलेक्शन जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इसका मार्क सिर्फ काउंट किया जाएगा बाकी चार पेपर का मार्क काउंट नहीं करेगा ठीक है इसलिए आप लोगों को सभी मार्क्स सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाई करना है इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है ठीक है आप लोगों को दोस्तों फाइलोट एप्टीट्यूड रिलीज साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर आपको पास होना होगा ठीक है और इंटरव्यू होगा पच्चीस मार्क का इसके द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों एलिजिबल चार नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोगों को वन एस टू फाइव रेशियो में आप लोगों को इंटरव्यू बुलाया गया यानी पंद्रह पोस्ट के लिए पचहत्तर जन को इंटरव्यू तक बुलाएगा बाद में वहाँ से एलिमिनेट करके जो फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा किसको रखेगा किसको एलिमिनेट करेगा ठीक है एलिजिबल कैंडिडेट आप लोगों को किया कि किस किस कागजात के साथ आप लोगों को एप्लीकेशन करना होगा यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट सबमिट सेल्फ एटिस्टेड कॉपीज ऑफ़ द सर्टिफिकेट ऑफ रेस्पेक्टिव एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड बेलिड बेलिड रिजल्ट कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एबब मेंशन फाइव सब्जेक्ट जो फाइव सब्जेक्ट ऊपर में बताए गए हैं इस सभी सब्जेक्ट का फाइनल एग्जामिनेशन जो पांचों सब्जेक्ट आपने देखा है उसका जो बेलिड रिजल्ट कार्ड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्जामिनेशन के द्वारा एग्जामिन किया गया है ऑथोराइज वो आपको यहाँ पे देना होगा पर बेलिड कॉमर्शियल साथ में बेलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस एक्सेट्रा आपको देना होगा ठीक है पर्सन हो आर ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा सात नंबर ऑप्शन में दोस्तों ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी फाइनल प्रोड्यूस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी आप लोगों को देना होगा आठ नंबर कॉलम पे आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ इसको फ़िलअप करने का इंस्ट्रक्शन ए फोर साइज़ पेपर में आप लोगों को ये एप्लीकेशन का फॉर्म स्ट्रक्चर डाउनलोड करना होगा ए फोर साइज याद रखिएगा और इसको आप लोगों को ब्लॉक लेटर में फिलअप करना है जितना भी बॉक्सेस है जितना भी लिखना है जो कुछ भी लिखना है आपको यहाँ पर ब्लॉक लेटर में लिखे गए यानी बड़े अक्षर में ठीक है और ब्लू इंक स्काई यानी नील नीला जो काली है कलम नीला काली से आप लोगों को लिखना है ब्लैक रेड और कोई दूसरा कलर युद्ध मस्त कीजिएगा सिर्फ नील ब्लू पेन से लिखना है ठीक है देखिए डो नॉट लिब एनी कॉलम ब्लैंक आपको कोई भी कलम आपको खाली नहीं छोड़ना है जितना भी पूरा कलम दिया हुआ है पूरा के पूरा आप लोगों को फिलअप करना होगा कोई भी कलम आपने खाली छोड़ा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा और यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शन है अगर आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है ठीक है ओवर राइटिंग करेंगे तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा इसलिए समय लेके धीरे धीरे फिलअप कीजिएगा ताकि ओवर राइटिंग ना हो और कोई गलती ना हो ठीक है नहीं तो दोबारा से आपको बार बार फॉर्म डाउनलोड करके भरना पड़ेगा फ्रेश एप्लीकेशन चाहिए उन लोगों को देखिए दोस्तों एप्लीकेशन आप लोगों को कहाँ करना होगा ये है अस्ती बात एप्लीकेशन तो आप फिलअप कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी पायलट आप लोगों को लिखना होगा जो एनबल यानी जो खाम के अंदर आप लोग आपका जो एप्लीकेशन उसके साथ जो टेस्टिमोनियल्स है जितना भी है जो आप डालोगे खाम के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन बड़े अक्षर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी पायलट ये आपको खाम के ऊपर लिखना होगा ठीक है और देखिए सेंड थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू आप लोगों को सेंड करना होगा कोई भी गलती से स्पीड पोस्ट के थ्रू पोस्ट मत कीजिएगा ठीक है ऑर्डिनरी पोस्ट में आप लोगों को सेंड करना है एड्रेस क्या है पोस्ट बैग नंबर थ्री डबल ज़ीरो थ्री लोधी रोड हेड पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली डबल वन ट्रिपल ज़ीरो थ्री यह है आपका पोस्टल एड्रेस आप लोग इस पर पोस्ट कीजिएगा ठीक है लास्ट डेट दस जून दो हज़ार चौबीस अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप फिलअप करेंगे ठीक है शुरुआत में दोस्तों नेम ऑफ द फोर्थ पायलट ऑफिशियल दिया हुआ है ट्रेनी पायलट आपका फोटो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो ठीक है सेल्फ अटिस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटो उसके बाद आपका नाम सब बड़े अक्षर में लिखना है पहले ही बोल दिया आपका नाम उसके बाद आपका नेशनलिटी इंडियन जेंडर महिला या पुरुष आप लोगों को टिक मार्क करना है ठीक है नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है टिक ओवर एप्लीकेशन फादर नेम आपके पिताजी का नाम मादर नेम आपके माता का नाम डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ डेट उसके बाद मंथ उसके बाद ईयर जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं ठीक है थीके? उसके बाद प्लेस आपका जन्म कहाँ पर हुआ था एज एज ऑन क्लोजिंग डेट क्लोजिंग डेट यानी 10 जून 2024 के अनुसार आपका आयु अभी कितना है कैलकुलेट करके बैठा दीजिएगा एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस जो आपके संपर्क करना आप ऐसा एड्रेस दीजिए यहाँ पे ताकि आपका जो संपर्क कर सके ऐसा नहीं होता है कि परमानेंट एड्रेस एक जगह पे है मैं रह रहा हूँ और एक जगह वहाँ पे मेरा संपर्क एड्रेस होना चाहता तो इसलिए वो आपने अपने हिसाब से आप यहाँ पर एड्रेस दीजिएगा ठीक है ताकि आपके ताकि आपके संपर्क कर सके उसके बाद स्टेट आपका पिन नंबर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ऊपर में नेक्स्ट कॉलम नौ नंबर कॉलम में कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल मंडेटरी यानी आपको मोबाइल नंबर देना ही होगा ईमेल आईडी ये भी मंडेटरी आपको ईमेल आईडी देना ही होगा इन द ब्लॉक इन द ब्लॉक कैपिटल लेटर ई मेल जनरली अगर आप मोबाइल पे देखते हैं तो जो मेल आई होते हैं वो छोटे अक्षर में लिखा होता है स्मॉल लेटर में लेकिन आपको यहाँ पे बड़े अक्षर में टाइम लेके लिख के देना है ठीक है उसके बाद आपका रिलीजियन हिंदू बुद्ध सिख जैन मुस्लिम अगर कुछ भी हो आपका जब आपका रिलीजियन आपको लिखना है कैटेगरी जेंडर कैटेगरी जनरली सी एस टी ओ बी जो कोई भी है तो आप लोगों को टिक मार्क करना होगा ठीक है इफ़ एक्स सर्विसमैन प्लीज़ स्पेसिफाई लेंथ एंड डिफेंस सर्विस यहाँ पर दिया गया है अगर आप एक सर्विस मैन हो तो आप सर्विस का लेंथ कितना है कितना मन कितना डेस आपने किया है यहाँ पर लिखना है यार दस साल बीस साल पंद्रह साल मान्थ कितना लिखा दस यानी दस या दस साल पाँच महीना तेरह दिन इस तरह के लिखना है आप लोगों को ठीक है एंड क्लोज कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला था आपकी नौकरी कम्प्लीट करने के बाद वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जोड़ के देने के लिए बताया गया है चौदह नंबर ऑप्शन में मेरिचअल स्टेटस अब शादीशुदा हो कि नहीं हो मेरिड और अनमेरिड में आपको क्लिक करना है ठीक है मेरिड हो तो मेरिड में क्लिक कर दीजिएगा राइट मार्क अनमेरिड में क्लिक कीजिएगा अगर अनमेरिड हो तो शादीशुदा नहीं हो तो नेम ऑफ़ द पोज अगर आपने शादीशुदा है तो आपके स्पोज़ अगर आप मैन हो तो आपकी बीबी का नाम अगर आप वुमेन हो तो आपके हस्बैंड का नाम ठीक है उसके बाद रिलीजन ऑफ द स्पोज आपकी जो हस्बैंड का धर्म क्या है या फिर आपकी वाइफ का धर्म क्या है लिखना है ठीक है रिलीजन ऑफ द स्पोज नेशनलिटी ऑफ द स्पोज अब जिससे शादी किया है वो मेल हो तो मेल फीमेल जो भी हो वो उनका नेशनलिटी क्या है इंडियन है या फिर किसी दूसरी कंट्री से वो आपको लिखना होगा दोस्तों सॉरी कॉल आ गया था मेरे मदर इन लॉ का दोस्तों एजुकेशनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेट्रिकुलेशन ऑन वर्ल्ड जो टेक्निकल ऑप्शन पंद्रह की ऑप्शन एम है दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे लिखना है एग्जाम का बोर्ड एग्जाम और डिग्री आपका मतलब कौन सा जैसे कि ट्वेल्व पास किया है आपने ट्वेल्व का सा कौन सी बोर्ड से पास किया है बोर्ड का नाम क्या था सी बी का या फिर आपने स्टेट का जो बोर्ड है आपने अपने स्टेट का लिखना है ईयर ऑफ पासिंग आपने कौन सी ईयर में पास किया ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कोर्स कितना दिन का था ठीक है कोर्स कितना दिन का था आप लोगों को लिखना है फ्रॉम जो आपने ट्वेल्व किया लिख सकते हो इतना दिन से इतना तार डेट तक ठीक है सब्जेक्ट स्टडी आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा है वो आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट करके लिखना है ठीक है संक्षेप में टोटल मार्क ऑप्टेन इन परसेंटेज आपको जो मार्क्स मिला है उसका परसेंट ठीक है ये आपका क्वालिफिकेशन जितना भी आपको देना है नेक्स्ट में टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऊपर वाला तो एजुकेशन को ये है टेक्निकल क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो इंडियन लाइसेंस डिटेल्स लाइसेंस डिटेल आपको ये वगैरह सी पी एल दोस्तों मैं तो पायलट का जो ट्रेनिंग है वो लिया भी नहीं पायलट की लाइसेंस के बारे में मालूम भी नहीं आप लोग कृपया ये जो कॉलम है आप लोग थोड़ा देख के फिलअप कर लीजिएगा ठीक है लाइसेंस कैटेगरी सी पी एल सी पी एल कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस सी पी एल सीस कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस नेम ऑफ द इंटीट्यूट आपने कौन से इंस्टीट्यूशन से सी पी एल कम्प्लीट किया है उसके बाद नंबर ये नंबर क्या होगा शायद आपका सॉरी oh, फ्रेंड्स आपका लाइसेंस का नंबर होगा ठीक है लाइसेंस का नंबर डेट ऑफ इशू आपने लाइसेंस कब इशू किया था वेलिडिटी ऑफ इशू कब से कब तक आपका लाइसेंस का वेलिडिटी है रिमार्क रिमार्क में तो आपका काम नहीं है ठीक है एनी अदर मेडिकल असेसमेंट मेडिकल लास्ट मेडिकल डन ऑन अगर आपने लास्ट मेडिकल किया था कहीं पे तो लिखना है मेडिकल वेलिडिटी आप तो अगर मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास है तो मेडिकल स्टेटस फिट और अनफिट आपको फिट है कि अनफिट लिखना है ठीक है फिट ही तो लिखना होगा अनफिट कैसे लिखेंगे आपको नौकरी करना है रिमार्केबल लिमिटेशंस इफ़ एनी अगर कोई लिमिटेशन है रिमार्केबल तो लिखना है ठीक है तीन नंबर ऑप्शन में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशियंसी ई पी ई सर्टिफिकेट ई लेवल ई एल पी आपने ई एल पी कहाँ से किया है ई एल पी बेलिट टील अगर आपने ई एल पी कोर्स किया है आवर्स फ्लोन आवर्स फ्लोन आप कितना घंटा इज अ फ्लोन फ्लाई सिंगल इंजन मल्टी इंजिन आवर्स फ्लोन टाइप कॉमांड फर्स्ट ऑफिसर और डुअल ये ये जो पार्ट्स है टोटली आप लोगों के लिए है ये मेरे समझ से बाहर है आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने ये ट्रेनिंग लिया है सिंगल इंजन ये कॉमांड की जगह में क्या लिखना होगा कैसे लिखना होगा आप लोग देख लीजिएगा किसकी कमेंट पे आपने किया है ना किया है तो आपको मालूम होगा इसलिए मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता ठीक है डो यू हैव एनी फ्लाइंग इंसिडेंट एक्सीडेंट अगर कोई आपने कोई एक्सीडेंट किया था फ्लाइंग इंसिडेंट हुआ आपके साथ कोई हादसा हुआ तो यस पे क्लिक कीजिएगा नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा और यस तो ब्रीफ बोला है ब्रीफ डिटेल्स दे आर फॉर दे ऑफ इंक्लूडिंग पनिशमेंट वार्मिंग एवॉर्ड इफ़ एनी आपको ब्रीफली लिखना है इसके बाद इंसिडेंट के बाद आप लोगों को अगर कोई पनिशमेंट मिला है या फिर वार्मिंग अवार्ड मिला है ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ था आपने कंट्रोल करके इस तरह से लेके गया तो आपको वार्मिंग अवार्ड अवार्ड दिया गया था वो आपको लिखना है डी जी सी ए कंप्यूटर नंबर डी जी सी ए कंप्यूटर नंबर आप लोगों को लिखना होगा सिक्सटीन नंबर पर वेदर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड और नॉट इफ़ एनी वन डिटेल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट अगर आप एम्प्लॉय हो तो ई एस पे क्लिक करना है उसका डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे लिख कर देना है ठीक है डिटेल्स और अवेबल आपका एम्प्लोई आप कहाँ का एम्प्लॉई हो किस कौन सा आपका डिपार्टमेंट कहाँ से हो कौन सी स्टेट से हो लिख कर देना है डिक्लेरेशन प्लेस आप कौन से प्लेस से अप्लाई किए हो और उसके बाद डेट आपका सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट ठीक है और फॉर्मेट फॉर द एस सी एस टी सर्टिफिकेट ये एस सी एस टी सर्टिफिकेट है और अगर ओ बी सी हो तो आपके लिए नीचे एक फॉर्मेट है ये है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सर्टिफिकेट ठीक है ये देखिए का सर्टिफिकेट दोस्तों यही है आपका नोटिफिकेशन मोटे तौर पर ठीक है ये जो नोटिफिकेशन लिंक वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आप लोगों के लिए दिन भर मेहनत करके नोटिफिकेशन लाता हूँ तो आपकी एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए उस मेहनत का फल है हो सके तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा हो सके तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लिंक रख दिया है आप लोग वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर एफोड टाइप पेपर टाइप में आप लोग टाइप करके अच्छे से फिलअप करके दिए गए पोस्टल एड्रेस में ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा आप लोग फिलअप कर लीजिएगा और मैं महीने का सभी नोटिफिकेशन के लिए आप लोग प्ले चेक कर सकते हो दोस्तों अगर आपको जी चाहिए अलग अलग टॉपिक्स को इस कॉम्पिटिव एग्जाम रिलेटेड के लिए तो आप लोग मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ए टू एग्जाम ट्वेंटी फोर में ट्वेंटी फोर को सब्सक्राइब करते हैं नया चैनल है आप लोगों को यहाँ पर अच्छी अच्छी कॉन्टेंट मिलेगा बेस्ट ऑफ लक